नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक आंसर के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में हम अटलांटिक ओशन के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने प्रशांत महासागर के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। दोस्तों अंध महासागर के नाम से जाने जाने वाला यह महासागर यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों को नई दुनिया से पृथक करता है। दोस्तों यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है जो कि पृथ्वी का 20% भाग को घेरता है। आकार में अंग्रेजी के अक्षर 8 के समान दिखाई देने वाला इस महासागर को नक्शे का समुद्र भी कहते हैं। दोस्तों इसका सतही क्षेत्रफल 10,64,60,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों लंबाई की अपेक्षा इसकी चौड़ाई बहुत कम है। उत्तर में बेरिंग जल डमरू के मध्य से लेकर दक्षिण में कोट्सलैंड तक इसकी लंबाई 20,496 किलोमीटर है। इसी प्रकार दोस्तों इसकी औसत गहराई 11,962 फीट है तथा अधिकतम गहराई इसकी 27,480 फीट है। दोस्तों यह समुद्र अन्य समुद्रों की तुलना में सबसे ज़्यादा खारा है तथा इसकी पृष्ठ धाराएं नियत वायु पवनों के अनुरूप बहती रहती है। दोस्तों इस महासागर में दुनिया के दूसरे महासागरों की तुलना में सबसे अधिक मछलियां पाई जाती है तथा दोस्तों दुर्लभतम रूप से मिलने वाली टारपोन मछली प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर में ही पाई जाती है जो कि दोस्तों बेहद खतरनाक मछली है। इसे प्यासा महासागर भी कहा जाता है क्योंकि यह कई नदियों जैसे अमेजन नदी, राइन नदी, कामू नदी तथा भूमध्य सागर की नदियों आदि को अपने अंदर समा लेता है। इसका सबसे गहरा गर्त प्यूको रिको ट्रेंज है जो कि दोस्तों इस महासागर के उत्तर में स्थित है। इसकी गहराई 9,200 मीटर तथा लंबाई 800 किलोमीटर है। इस महासागर में टोटल 19 गर्त हैं। दोस्तों प्यूको रिटो गर्त प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना ट्रेंज के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गर्त है। दोस्तों जब इस महासागर में सबसे ज़्यादा ज्वार आती है तो इसके अंदर 50 फीट तक की ऊंची लहरें उठने लगती है। दोस्तों पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। आपने दोस्तों विश्व की सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के बारे में तो सुना ही होगा और दोस्तों उसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। दोस्तों ये जहाज विश्व का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था और जब दोस्तों यह जहाज विश्व की यात्रा करने के लिए निकला था तो दोस्तों इसी क्षेत्र के एक विशाल हिमखंड से टकराया तथा दोस्तों टकराने से उस जहाज के बीच में से दो टुकड़े हो गए तथा दोस्तों वह इतना बड़ा था कि टूटने के बाद भी उसे डूबने में कम 2.5 से 3 घंटे लगे। तो दोस्तों इतने बड़े जहाज को आज तक नहीं निकाला जा सका क्योंकि इस समुद्र की गहराई बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों आपने बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों अगर इसके ऊपर से कोई भी प्लेन या पक्षी गुजरता है तो यह ट्रायंगल उसे अपने अंदर खींच लेता है। इस ट्रायंगल ने कई सारे जहाज़ों को अपने अंदर निगल लिया है। दोस्तों यह उत्तर पश्चिम की अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जो कि दोस्तों त्रिभुज के आकार का है। दोस्तों इस ट्रायंगल्स के ऊपर से या इसके आसपास से कोई भी चीज़ गुजरती है तो इसके अंदर यह समा जाती है। जो दोस्तों कई भयानक तथा डरावनी क्षेत्र है यह ट्रायंगल। अगर आप इस ट्रायंगल के बारे में जानना चाहते हैं कि क्यों जहाज़ों को अंदर खींचता है तथा किस कारण की वजह से अंदर खींचता है तो कमेंट करके बताएं, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों इस महासागर का समुद्री तट प्रशांत महासागर के समुद्री तट से 23,797 किलोमीटर ही छोटा है। दोस्तों इस महासागर को अमेरिका की रहने वाली अमेलिया एयरहार्ट पहली महिला है जिसने पार किया था। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में दोस्तों हम हिंद महासागर के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी तरह की जानकारी अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।